स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर एक जो बहुत तादाद के अंदर यहाँ रैली आई और यहाँ बहुजन की तादाद देखने को मिल रही है। बहुत तादाद के अंदर यहाँ रैली आई और बहुजनों ने अपनी ताकत को दिखाया। हमारे बीच में है डॉक्टर उदित दास जी, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आज की रैली का क्या उद्देश्य रहा? रैली का उद्देश्य है कि दलित पिछड़े अपने अधिकार को मांगने आए हैं। हम पदोन्नति में आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण और जो आज के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर, अभी तक माना जा रहा था कि उदित राज जी के साथ में जनता नहीं है, पब्लिक नहीं है, लेकिन आज आपने दिखा दिया, पूरे रामलीला मैदान के अंदर भर दिया, रामलीला मैदान ही नहीं और ये रोड भी जाम कर दिए। पहले भी थे लेकिन अब बढ़ रहे हैं। लोगों ने महसूस किया कि ईमानदारी से कौन लड़ रहा है। मैं सत्ता पक्ष को होकर के भी आवाज़ उठा रहा हूँ तो शायद इसका असर पड़ रहा है। तो सर, जो आरक्षण का जो बात कर रहे हैं आप, जैसे और भी नेता हैं लेकिन वो नेता इस तरीके का कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, आप भी इस तरीके का कदम क्यों उठाया आपने, आपने सत्ता के अंदर होते हुए भी? मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, वो नहीं निभा रहे हैं और काम चोरी कर रहे हैं, अब नौकरी कर रहे हैं, गुलामगिरी कर रहे हैं, स्वार्थी हैं तो मैं क्या करूं? आवाम से आपकी क्या अपील है सर? आवाम और जुड़े हमारे साथ तभी तो अधिकार बचेगा। तो सर, आज की जो रैली आई थी उससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ, पूरा संतुष्ट, पूरे संतुष्ट हैं।